Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Kashmira and I am here with a brand new episode of bottle art. In this video I am going to make these type of bottles. मतलब ये सब बॉटल्स मैं ये वीडियो में बनाने नहीं वाली हूँ. एक्चुअली मैं सिर्फ आपको टेक्निक बताऊंगी और उसके बाद आपको जो चाहिए, जिस टाइप की चाहिए, जैसे कलर की चाहिए, वैसे बॉटल आप बना सकते हो. और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, फ्री है यार, कर दो. एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सो इसके लिए आपको कौन से भी टाइप की बॉटल चलेगी, लिटरली कौन सी भी, देन आपको फेविबॉन्ड लगेगा एंड फेविकॉल लगेगा. फेविकॉल तो सबके पास होता है ऑलरेडी. और ये है थ्रेड जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ये वाली बॉटल्स बनाने के लिए. आपको जो सुटेबल है वो कलर आप चूज़ कर सकते हो. मैंने येलो कलर चूज़ किया ये बॉटल के लिए, और आप कलर चेंज भी कर सकते हो. पहले मैंने फेविबॉन्ड लगाया एंड देन जो थ्रेड है वो लगा रही हूँ मैं बाद में. आपको वो थोड़ा थोड़ा करके लगाना पड़ेगा, आप पूरा एक साथ लगा के डायरेक्टली थ्रेड नहीं लगा सकते तो वो सूख जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ेगा. एटलीस्ट फेविबॉन्ड तो भी, क्योंकि फेविबॉन्ड जल्दी सूख जाता है. मैं लाइटर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसका जो थ्रेड का एंड होता है वो अगर आप लाइटर से उसको सील नहीं करोगे तो वो निकलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कर दो उसको. पहले 2-3 राउंड होने के बाद आप फेविकॉल लगाओगे फिर भी चलेगा, इसलिए मैंने जो नीचे का पोर्शन है उसमें मैंने फेविकॉल से काम कर लिया. फेविकॉल को कंपैरेटिवली सूखने में ज़्यादा टाइम जाता है, फेविबॉन्ड जल्दी सूख जाता है, इसलिए फेविबॉन्ड से अगर आप काम कर रहे हो तो फास्ट काम करना पड़ता है. थ्रेड वाली बॉटल बहुत इजी होती है. अभी मैंने चेंज किया कलर, येलो के बाद मैंने ब्लू लिया, और ब्लू के मैं 4 राउंड मैक्सिमम लगाने वाली हूँ. अब ज़्यादा लग रहा है तो वो एक मैंने कट कर लिया, 4 राउंड ब्लू के. देन मैं ऑरेंज ले रही हूँ. ऑरेंज के फिर से 4 राउंड. ये हमारी बैक साइड है बॉटल की, तो यहाँ पे ही मैं कलर चेंज कर रही हूँ. मतलब आगे के साइड में ये जो है ये सब दिखेगा नहीं. देन फिर से ब्लू लिया एंड देन अभी येलो में बॉटल के नीचे तक कर रही हूँ. बॉटल रेडी हो चुकी है और उसके बाद मुझे उस पर थोड़े छोटे छोटे फ्लावर्स लगाने थे, तो वैसे ही मैंने 2-3 फ्लावर्स लगा दिए. बहुत सारे कॉम्बिनेशंस चेक करके देख लिए मैंने एंड देन एक फाइनल किया. मुझे ये बॉटल ऐसे सिंपल ही रखनी थी. आप कौन से भी कलर्स यूज कर सकते हो, इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेंगे. जैसे ये बॉटल को मैंने एक ही कलर में किया, ब्लू कलर में, एंड उस पर एक छोटा सा फ्लावर लगा दिया, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं किया. वैसे ही ये वाली जो बॉटल है उसको मैंने रेनबो कलर्स यूज़ किए एंड 2 फ्लावर्स उस पर छोटे छोटे लगा दिए. सब कलर्स में भी बहुत क्यूट दिख रही है वो. तो बेसिकली आप कौन से भी कलर्स यूज़ कर सकते हो, कितने भी कलर्स यूज़ कर सकते हो. अब ये जो सेट है, ये सेट के लिए मैंने 3 बॉटल्स सेम यूज़ किए, और आप देख सकते हो कि मैंने 2 कलर कॉम्बिनेशंस में उसको किया है और उस पर फ्लावर्स लगा दिए एंड दैट्स इट, वो सेट रेडी है.
ये थ्रेड सेम थ्रेड यूज़ करके मैंने जो जो प्रोजेक्ट्स अब तक किए हैं वो उसकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं आपके साथ। बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करके आप सेट 3 बॉटल का या फिर 4 बॉटल का भी बना सकते हो या फिर 1 बॉटल में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस डू नॉट forget to press the bell icon so that you will get notifications whenever I will upload any video and try this, share your creations with me on my Instagram profile. I will provide the link in the description box. So see you in the next video. Till then, bye bye.